पाषाण काल में आर्ट कला किस तरह से होती थी? पैलोलिथिक और मीजोलिथिक युग के लोग पेंटिंग किया करते थे। कई जगहों पर इनकी पेंटिंग्स मिली हैं, जिनमें सबसे स्ट्राइकिंग या सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी का भीमतेक। फ्रेंड्स, नाउ दैट यू सी दैट भीमतेक इज कमिंग अ कपल ऑफ टाइम्स, बार बार भीमतेक का मेंशन है, तो आपको एटलस में जाके भीमतेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। भीमतेक भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है और विंध्यन रेंज में है। विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल रेंज है, उसमें भीमतेक स्थित है। इसमें 500 से ज्यादा पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं जो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। काफी बड़ा एरिया है, नेचुरली तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट बनती ही है ये। भीमतेक में जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, यानी चट्टानों पर जो पेंटिंग की हुई है, वो अपर पैरोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज को दिखाती है। अपर पैरोलिथिक यानी जब पैरोलिथिक खत्म होने आया था, लास्ट स्टेज था, उसके बाद मीजोलिथिक, तो इन दोनों को दिखाते हुए ज्यादातर पेंटिंग्स हैं। और उस युग से लेकर रीसेंट टाइम तक की भी, यानी कुछ सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले तक की पेंटिंग्स भी आपको यहाँ मिलेंगी देखने। हालांकि उन पेंटिंग में से बड़ी संख्या में ऐसी पेंटिंग है जो मीजोलिथिक ऑक्यूपेशन को दिखाती है, यानी उस समय लोग क्या काम करते थे मीजोलिथिक समय में। पेंटिंग्स में क्या क्या मिला है? पक्षी, जल और इंसान, इनकी पेंटिंग की गई है। हालांकि इनमें से जो ज्यादातर पक्षी और जानवर थे, वो ऐसे थे जिनका शिकार किया जाता था, उन्हीं की पेंटिंग वहां है। और जो दाना चुगने वाले पक्षी हैं, इनकी पेंटिंग शुरुआती दौर में नहीं दिखती। और इस तरह की पेंटिंग से हमें हंटिंग या गैदरिंग इकोनॉमी का पता चलता है, यानी उनका काम चलता था शिकार से या जानवरों को और पक्षियों को इकट्ठा करके। अब प्रश्न ये उठता है, अपर पैरोलिथिक लोग आर्ट की प्रैक्टिस क्यों करते थे, क्यों वो ये कला से संबंधित काम करते थे? इसके संबंध में जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है वो ये है कि ये हो सकता है उन्हें सिर्फ आर्ट पसंद होगा इसीलिए करते थे, लेकिन उस समय मनुष्य इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था, इतना सभ्य नहीं था कि आर्ट या पेंटिंग करे। ये भी कहा जाता है कि उस समय सोशल डिफ्रेंसिएशन था, यानी समाज में बहुत अलग अलग लोग रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, और उन सब से दूर जाने के लिए हो सकता है उन्होंने आर्ट का सहारा लिया हो। ये भी हो सकता है कि जानवरों को कंट्रोल में रखना दिखाने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई हो, क्योंकि उस समय उनके जीवन यापन का मुख्य तरीका था शिकार करना। हालांकि कुछ आदमी और औरतों के फिगर्स भी इन पेंटिंग में मिलते हैं और अलग अलग किस्म के जानवरों के फिगर भी मिलते हैं, लेकिन ये सभी कहीं ना कहीं शिकार से ही जुड़े हुए थे। कि जब हड़प्पन कल्चर की बात आती है, पेंट करना एक तरह का कन्वेंशन बन गया था, यानी प्रथा बन गई थी। हड़प्पन कल्चर में भी जो सील्स होते थे उसमें एनिमल्स बनाए जाते थे, हालांकि तब तक आदमी ने अनाज उगाना सीख लिया था और वो उगाए हुए अनाज पर ही जिंदा रहते थे। अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इतने प्रारंभिक समय में किस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी और लोग कैसे ऑर्गेनाइज रहते थे एक सोसाइटी के रूप में। हालांकि ये बात क्लियर नहीं है कि वो बैंड के रूप में रहते थे या प्री बैंड के रूप में। बैंड सोसाइटी क्या होती है कि जिस समय इंसान सिर्फ हंटिंग पे, शिकार पे जिंदा रहते थे या जानवरों को इकट्ठा करके, जब मनुष्य इतना सभ्य नहीं हुआ था, उस समय बहुत थोड़ी संख्या में लोग जिनका सेम इंटरेस्ट होता था वो आपस में रहा करते थे। दैट्स इट, उनमें कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, बट जस्ट साथ में रहते थे कुछ थोड़ी संख्या के लोग, उन्हें बैंड कहते थे। ये बैंड्स मोस्टली शिकार के लिए बनाए जाते थे और लगभग 25 लोग एक बैंड में हुआ करते थे। हो सकता है कई बैंड्स मिलके एक अलायंस बनाते हो अपने आपसी इंटरेस्ट को लेके, म्यूचुअल एड को लेके, लेकिन उन सबको मिलाकर भी 500 से ज्यादा नहीं होते थे। और अपने इन अलायंस को और मजबूत करने के लिए हो सकता है उन्होंने कुछ रिचुअल्स भी बना लिए हो। बाद में समय बीतने के साथ ये बैंड क्लांस यानी वंश में बदल गए नियोलिथिक फेज में, जो ज्यादा सिस्टमैटिक थे। एक वंश के लोग हमेशा अपने वंश से बाहर शादी करते थे किसी दूसरे वंश में, लेकिन जो बैंड्स के लोग थे, यानी जिनमें कम संख्या थी, जो शुरुआती दौर में थे, उनके रिलेशनशिप हमेशा बैंड के अंदर ही होते थे। अपर पैरोलिथिक फेज में
यानी पैलोलिथिक के लास्ट फेज में बैंड के मेंबर्स शिकार और खाने को आपस में शेयर करना सीख चुके थे। हो सकता है अपर पैलोलिथिक फेज में लैंग्वेज का आविष्कार हो गया हो और वो आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े होते थे। तो अब क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बीपी, यानी बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी आज का समय, जो रफली 1 जनवरी 1950 को माना गया है, बट आज के समय से कितने साल पहले, बिफोर प्रेजेंट। सो पृथ्वी कितनी पुरानी है, 4600 मिलियन ईयर्स पृथ्वी की एज बताई जाती है। 3500 मिलियन साल पहले धरती पर जीवन का जन्म हुआ। 30 मिलियन साल पहले सबसे पहला मनुष्य धरती पर आया, जो लगभग बंदरों जैसे ही थे। 6 मिलियन साल पहले धरती पर होमिनिड्स यानी ह्यूमन लाइन वो प्रकट हुआ, और कहा अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। लगभग 5.5 से 1.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रलोपिथेकस धरती पर आया, आया यानी जन्म हुआ, एवोल्यूशन से आया। 2.2 मिलियन साल पुराने मिले हैं रामापिथेकस और शिवापिथेकस के स्कल यानी खोपड़िया, जो शिवालिक हिल एरिया में मिली हैं, और वो कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में पोटवार प्लेट्यू में, पोटवार पठार में। 2 मिलियन साल पहले लोअर पैलोलिथिक एज शुरू हुआ अफ्रीका में। 2 से 1.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस धरती पर आया, वहीं पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका। 1.8 से 1.6 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस इवॉल्व होके आया, जिसने आग का आविष्कार किया होमो इरेक्टस ने, और सबसे पहले कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी होमो इरेक्टस ने किया। 230,000 से 30,000 साल तक होमो सेपियंस रहे। 115,000 साल पहले होमो सेपियंस सेपियंस आए, जो कि हम हैं, मॉडर्न मैन, और वो दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए। इसके बाद आते हैं बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 12,000 साल पहले तक प्लाइटोसीन एज था, यानी आइस एज, हिम युग। 7 लाख साल पुराना होमो सेपियंस की खोपड़ी मिली है नर्मदा घाटी में। 34,000 साल पुराना होमो सेपियंस सेपियंस का फॉसिल मिला है श्रीलंका में। 6 लाख से 1.5 लाख साल ईसा पूर्व तक इंडिया का लोअर पैरोलिथिक एज था। 1.5 लाख से 35,000 साल ईसा पूर्व तक इंडिया का मिडिल पैरोलिथिक एज था। 50,000 साल पहले ईसा पूर्व भाषा का उद्भव हुआ। 35,000 से 10,000 साल पहले तक अपर पैलोलिथिक एज था इंडिया में। 9,000 से 4,000 साल ईसा पूर्व तक मीजोलिथिक एज कल्चर था। पैरोलिथिक के बाद मीजोलिथिक आया था। 12,000 साल ईसा पूर्व से लेकर आज तक होलोसीन यानी पोस्ट आइस एज चल रहा है, अभी भी हम होलोसीन एज में ही हैं। 7,000 से 6,000 साल ईसा पूर्व इंडिया में खेती की शुरुआत हुई, और 5,000 साल ईसा पूर्व जानवरों को पाले जाने के प्रमाण भारत में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर ह्यूमन एवोल्यूशन ओल्ड स्टोन एज पे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।